आप आपको एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। सर क्या कहेंगे सौगत राय ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी को अगर रोकना है तो हमारे साथ आना चाहिए और उनके ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, जब मरने का समय होते हैं तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों का मरने की वक्त आ गए हैं अभी, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग काम करते हैं। वो अभी इनको लगा कि बिना कांग्रेस हमें बचना मुश्किल होगा, यही हम बराबर उनको सलाह देते आ रहे थे कि आप सत्ता पे आने का बाद कांग्रेस पार्टी की मदद लेके आप सत्ता पे आई थी और सत्ता पे आने का तुरंत बाद ये कांग्रेस पार्टी को आप खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियाँ थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेट पार्टी, इनको तो कमज़ोर आप जरूर कर दिए हैं, इनको तो आप खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी, सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगे, क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष जमीन खत्म होने लगे, खिसकने लगे, तो धीरे धीरे इस जमीन को कब्जा करने के लिए सांप्रदायिक तत्व मैदान में आ पहुँचे और कब्जा करने लगे। आपको एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी दो चार पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर ज़रूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं, आप खुद समझ रही हो। तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ सारे पार्टियां, क्योंकि अकेले दम पे कांग्रेस हिंदुस्तान में 100 साल तक लगातार ये बीजेपी पार्टी जैसे इनकी पुरखों को यहां मुकाबला करके हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष माहौल बना के रखा था। इतिहास की ये सबूत है।